तो हम लोग अपना सेल्स एनालिसिस विद टैबलो सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं, जहाँ पे हमने सैम्पल सुपर स्टोर सेल्स डेटा हमने एज अ डेमो लिया है, या एज अ सैम्पल डेटा हमने कलेक्ट किया है टैबलो से। हमारी प्रीवियस क्लास में हमने इस डेटा के बारे में और इसको कैसे कनेक्ट करना है टैबलो से, ये डिस्कस किया था। आज की जो हमारी हाँ क्लास है, उस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक टाइप के ग्राफ्स बनाना है इस डेटा के ऊपर, जिसमें बार ग्राफ, लाइन ग्राफ और पाई चार्ट है। ये तीन हम बेसिक तरीके के ग्राफ सीखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हाउ टू ठीक है, लेकिन व्हेन भी रहेगा। जैसा हमने पहली क्लास से डिस्कस किया है, टैबलो में डेटा को टू पार्ट्स में ब्रेक किया जाता है, ठीक है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। ये डेटा का जो सेगमेंटेशन है वो हम शुरुआत से पढ़ते आए हैं। तो जो क्वालिटेटिव डेटा है उसको ज़्यादातर डाइमेंशंस बोलते हैं टैबलो में, और जो क्वांटिटेटिव डेटा है उसको हम लोग मेजर्स बोलते हैं। इन मेजर्स के ऊपर हम लोग एग्रीगेशंस का यूज करते हैं। एग्रीगेशंस एग्रीगेट फंक्शंस के थ्रू लगाया जाता है, तो हम यहाँ सीधे ही लिख देते हैं एग्रीगेट फंक्शंस। ये एग्रीगेट फंक्शंस जो होते हैं क्वांटिटेटिव डेटा पे लगते हैं, और सबसे कॉमन है सम। जैसे हमने लिख दिया सम ऑफ सेल्स, तो ये फंक्शन क्या करेगा, सम बता देगा। इसी तरह एवरेज सेल्स, ये क्या करेगा, सेल्स एक मेजर है मगर ये फंक्शन क्या करेगा, उसकी एवरेज बता देगा, ठीक है। और जो टैबलो के अंदर जो मेजर होते हैं उसको हम लोग इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं। तो ये पर्टिकुलरली सिंटैक्स होगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कि ये जो सेल्स जो वेरिएबल लिखा हुआ है, ये इस डेटा में से कोई एक कॉलम है जो कि हमारे लिए सेल्स है, और ये एक कॉलम रिप्रेजेंट करता है। ये जो राउंड ब्रैकेट है या पेरेंथिसिस है, ये दिखाता है कि इस फंक्शन, ये फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट के लिए बनाया गया कि ये आर्गुमेंट यहाँ शुरू होकर यहाँ खत्म हो रहा है। किसी फंक्शन में एक से ज्यादा आर्गुमेंट्स भी हो सकते हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो सम है, एवरेज है, मिनिमम सेल्स है, इस टाइप के एग्रीगेट फंक्शंस जो हैं हम लोग इस पे लगा सकते हैं। मिनिमम है, मैक्सिमम है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, वेरिएंस है, एंड सो ऑन, इस टाइप के एग्रीगेट्स। सो जब हम एक ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ बनाते समय हमें दो एक्सेस की जरूरत पड़ती है। तो हम एक एक्सेस में जो क्वालिटेटिव एक वेरिएबल लेते हैं और दूसरे एक्सेस में क्वांटिटेटिव एक वेरिएबल लेते हैं। जब हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल लेते हैं तो वो वेरिएबल अकेला नहीं आता, बल्कि उसका एक एग्रीगेट फंक्शन आता है, और वो एग्रीगेट फंक्शन का और उस डायमेंशन का एक ग्राफ बनता है। सो हमें ये याद रखना है कि जब हम ग्राफ बनाते हैं तो एक्चुअली में हम एग्रीगेट जो मेजर है उसके वर्सेस एक क्वांटिटेटिव डायमेंशन, इसके अगेंस्ट ग्राफ बनाते हैं। अगर हमें एग्रीगेट नहीं चाहिए तो हमें सेटिंग्स में से एग्रीगेट मेजर्स को ऑफ करना पड़ता है। इसकी ये सेटिंग है, यहाँ से आप एनालिसिस में जाइए और एग्रीगेट मेजर्स को यहाँ भी चेक है ऑफ कर दीजिए, ये हम बाद में सीखेंगे। तो जब हम लोग हर तरीके के ग्राफ इसीलिए सीखेंगे
कि हर टाइप के ग्राफ के लिए क्या सेटिंग चाहिए, कौन से ऑप्शंस को इनेबल करना है, कौन से ऑप्शंस को डिसेबल करना है, ये सारा आप सीखेंगे। अभी इसको भूल जाते हैं। आज आपको याद रखना है, बाय डिफॉल्ट टैबलो हर मेजर का सम कर देता है, सम जोड़ देगा उसको, पर ये हमारे हाथ में है कि हम उसका सम रखना चाहते हैं या फिर हम उसका जो है एवरेज रखना चाहते हैं, कि मिनिमम कि मैक्सिमम हम क्या एग्रीगेट रखना चाहते हैं, ये तो हमें खुद डिसाइड करना पड़ता है। तो यही आज हम लोग सीखेंगे यहाँ पे। अब जैसा हमने कहा, कोई भी ग्राफ बनाने के लिए आप एक इनमें से डायमेंशन को ले लीजिए और एक आप मेजर को ले लीजिए। तो हम यहाँ से मान लीजिए कैटेगरी ले लेते हैं या सब कैटेगरी ले लेते हैं। अब ये सब कैटेगरी जैसे ही हमने देखो कॉलम में डाला, कॉलम में, तो एक टेबल के कॉलम जैसा सारा लिख के आ गया यहाँ, ऐसा नहीं, टेबल बन गया और उस टेबल का कॉलम यहाँ पे बन गया सारा। यही अगर हम रो में ऐड करेंगे तो एक टेबल के रो जैसा ये ऐड हो गया, एक कॉलम आया जिसमें सारी रो में कैटेगरी की वैल्यू आ गई। तो ये आप कहीं भी रख सकते हैं, चाहे यहाँ चाहे यहाँ, मान यहाँ रखा, इसको ऐसे कर दीजिए, तो आप कभी भी ये ट्रांसपोज कर सकते हैं। इसमें स्वैप रोज एंड कॉलम्स आप कर सकते हैं, और इसका शॉर्टकट भी है Ctrl W, Ctrl W। ये शॉर्टकट्स आप जितने ज़्यादा सीख लेंगे उतने आसानी से आप काम कर पाएंगे। स्वाइप रोज Ctrl W। अगर अभी याद नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी आप मैन्युअली ड्रैग एंड ड्रॉप करके करेंगे, बाद में कर लीजिएगा याद। हमने जैसे ये यहाँ पे कॉलम में रख दिया, अब दूसरा हम यहाँ से सेल उठा के ले आते हैं, तो आप खुद देख रहे हैं एक ग्राफ यहाँ पे बन के आ गया आपके सामने। तो यही होता है जब हम एक मेजर, जैसे हमने कहा ना बार ग्राफ, तो बार ग्राफ के लिए एक मेजर एंड एक डायमेंशन, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। अब हम लोग ये सब याद कैसे रखेंगे, तो इसके लिए यहाँ पे एक शोमी नाम का टैब बना होता है। ये जो शोमी नाम का टैब है ये आपको दिखाता है कि जो कॉम्बिनेशन अभी आपने यहाँ पे रखा हुआ है, यानी आपने एक डायमेंशन और एक रोज यहाँ पे रखी हुई है, सो उसके अगेंस्ट क्या क्या ग्राफ बन सकते हैं। इसमें कुछ ग्राफ आपको हाइलाइटेड नजर आ रहे होंगे और कुछ ग्राफ आपको अनहाइलाइटेड नजर आ रहे होंगे, यानी कि टैबलो खुद ही उन ग्राफ्स को डिसेबल कर देगा जो इस कॉम्बिनेशंस में नहीं बन सकते। अब आप जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस जगह प्लीज गिव अटेंशन टू दिस एरिया। तो अभी मैंने माउस बार ग्राफ पे रखा हुआ है, मैं यहाँ से प्रिंट स्क्रीन भी ले ले रहा हूँ, मैंने माउस को बार ग्राफ पे रखा हुआ है। यहाँ देखिए क्या हो, क्या लिख के आ रहा है, फॉर हॉरिजॉन्टल बार, यानी हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ बनाने के लिए क्या क्या लिखा है देखिए। इसने कहा जीरो और मोर डायमेंशन, यानी अगर आप एक भी डायमेंशन नहीं लगाएंगे तब भी बार ये बना देगा, पर एक मेजर तो चाहिए ही चाहिए। तो मतलब इसको एक बार बनाने के लिए एक मेजर तो चाहिए ही चाहिए, फिर उसके अलावा आप डायमेंशन जीरो या जीरो से ज्यादा। तो हमारे केस में एक्चुअली वन डायमेंशन है, ये बन गया। सपोज करो कि हम सिर्फ एक मेजर देते हैं सेल्स, तो भी ये हॉरिजॉन्टल बार बना देगा जो कि टोटल आज तक की हुई सेल का बार ग्राफ है। पर इससे कोई खास समझ में नहीं आएगा क्योंकि इस नंबर को तो हम ऐसा टेक्स्ट देखें तो ज्यादा बेहतर है, पर ये जो कंसेप्ट है वो ये क्लियर होता है कि एक बार बनाने के लिए
जीरो और मोर डायमेंशंस की जरूरत होती है। यहां तक की बात क्लियर है आपको? मैंने यहाँ वन मेजर लिखा है क्योंकि वन मेजर से ही हम एक्चुअली में कोई मीनिंगफुल डेटा बना सकते हैं। तो वन मेजर वन डायमेंशन, ठीक है। तो वन मेजर ये मिनिमम है, हम यहाँ पे ये लिख भी सकते हैं कि वन मेजर एंड जीरो और मोर डायमेंशन। ओके, सो ये हो गया। तो जैसे सब कैटेगरी वाइज सेल्स, इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैं सेगमेंट वाइज सेल्स को ले लेता हूं, ओके, सेगमेंट वाइज सेल्स। सेगमेंट वाइज सेल्स में क्या हुआ, फिर से वही बार बन गया। अब मैं चाहता हूं कि यहां पे हमें सिर्फ एक मेजर को नहीं, एक से ज्यादा मेजर को आइडेंटिफाई करना है, तो इसके लिए हम, या हमें एनालाइज करना, तो हम प्रॉफिट को भी ले आते हैं। अभी क्या हुआ, जब हमने यहाँ पे जीरो और मोर लिखा था ना, देखिए क्या लिखा था, जीरो और मोर डायमेंशन, वन और मोर मेजर, तो हमने तो वन और मोर कर दिया, यानी हमने मेजर दो रख दिए। तो क्योंकि रो में रखे तो एज अ टेबल देखने पे सेल्स एक रो बन गया, प्रॉफिट दूसरी रो बन गया। ऑल्दो ये भी एक मीनिंगफुल डेटा है, ओके, पर आप यहां पे देखेंगे ये ग्राफ आपको बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं लग रहे, कि लग रहे कि दोनों सेम ग्राफ है, राइट। मगर जो सेल्स का स्केल है वो है जीरो से लेके थाउजेंड थाउजेंड, लाइक 1 लाख तक समथिंग, राइट। देखिए जीरो से लेके 1000, वाई एक्सिस का डिफरेंस है। तो जब ऐसा होगा, अच्छा, और सेल्स और प्रॉफिट का यूनिट सेम है क्या कि अलग अलग है, लाइक इसको मेजर करने का जो फिजिकल यूनिट है वो सेम है ना, डॉलर से इनके, ठीक है। तो याद रखिए जब ऐसा केस हो तो वहां पे हम एक ही एक्सिस पे दोनों को रख सकते हैं। फिर से दिखाते हैं, हमने क्या किया, ये इसको उठा के सेल्स का ही एक्सिस यूज कर लिया, दिख रहा है। जब हम इसको यहाँ पे ड्रैग करते, फिर से देखते, इसको हटा देते हैं यहाँ से भी, जब हमने इसको यहाँ से ड्रैग किया रो में जोड़ा, तो ये रो में जुड़ गया, एज अ रो बन गया। पर हमें पता है इनका यार एक ही एक्सिस है, जो सेल्स का एक्सिस है वही प्रॉफिट का भी एक्सिस है। तो हमने क्या किया, इसको यहाँ पे ऐड किया, इज इट क्लियर। और अब क्या हुआ, अब आपको एक कंपैरिजन दिखेगा, बताइए, लाइक अब हमें दिख रहा है कि कंज्यूमर में जब इतनी इस हाइट पे सेल हुई तब इस हाइट पे प्रॉफिट हुआ। सो नाउ एक्चुअली प्रोपोर्शनल आपको डेटा दिखेगा, ओके। अब टैबलो में क्या है कि अभी ये मार्क्स कार्ड का भी एक बहुत बड़ा रोल है, बाद में इसको समझाएंगे। तो ये एक तरीका है, ऑब्वियसली पूरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आप इसको दोबारा से ये सब करके देखेंगे। सो ये हमने यहाँ पे लिखा, जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें शीट आप बनाते चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। हमें एक नई शीट जोड़नी है या न्यू शीट, एक नई शीट जोड़नी है, न्यू शीट, ऐसे करते जाएंगे। तो जब भी आपको एक नया क्वेश्चन सॉल्व करना है या एक नई एनालिसिस करनी, आप एक नई शीट में कर सकते हैं। तो हम इस शीट को नाम देते चलते हैं, तो हम इस शीट को रीनेम कर देते हैं, ये क्या है, सेगमेंट वाइज प्रॉफिट एंड सेल्स, यही तो है। तो आप देखेंगे कि जो शीट का नाम हमने यहाँ पे दिया है वो शीट का नाम यहाँ पे आ गया, ओके।
वो शीट का नाम यहाँ पे आ गया। और अब इसको टाइटल को भी हम डबल क्लिक कर सकते हैं। ओके फिर से दिखाता हूँ, यू कैन डबल क्लिक दिस टाइटल, ऐसे करके उसको सेलेक्ट कर लीजिए और फिर आप इसे बोल्ड, इसका कलर अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। सो टैबलो में ये फॉर्मेटिंग ऑप्शंस भी बहुत सारे दिए हैं। जैसे मैं अप्लाई करूँगा, आप देखेंगे कि अब हमारा जो कलर है शीट का वो चेंज हो गया है। उसके लिए हम इसका फॉन्ट भी बदल सकते हैं, जैसे हम ये सब कुछ भी फॉन्ट ऐसा लगा सकते हैं। ठीक है, तो कई बार क्या होता है जब हम लोग ग्राफिकल एनालिसिस करते हैं तो देर इज़ अ टर्म कॉल्ड ब्रांड गाइडलाइन। ओके सो कई बार ये होता है ब्रांड गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कलर्स का चॉइस करना पड़ता, कि जिस ब्रांड के लिए हम काम कर रहे हैं उनका कोई रिपोर्ट पब्लिश होना है या कुछ भी, तो उनके अकॉर्डिंग हो, तो उनके अपने कुछ फॉन्ट होती है, फैमिली होती है, उनका फॉन्ट साइज होता है कि हेडिंग इस फॉन्ट साइज की होगी। सो ये फॉन्ट साइज जो है, जो आप लोग आज तक वर्ड फाइल में या एक्सेल फाइल में करते हैं, वही है। यहाँ से आप फॉन्ट साइज अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते, और उस हिसाब से ही आपका शीट का जो हेडिंग है वो डिसाइड होगा। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते थे, वापस इसको 15 और इसको हम लोग टैबलो बोल्ड कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, ओके कर देते हैं, 15 पे अप्लाई करेंगे। अब वो पूछेगा, इसको वापस सही कर देते हैं। ठीक है, ये है, आप इसको अलग अलग ट्राई कीजिएगा। और टैबलो क्या है, इसमें डायनेमिक टाइटल भी सपोर्ट किए करता है ये। जैसे यहाँ से आप इंसर्ट देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। जैसे मान लो मैं डेटा सोर्स का नाम भी डालना चाहता हूँ टाइटल के साथ, तो वो डायनेमिक आ गया कि सैंपल सुपर स्टोर का ऑर्डर वाला शीट हमने सेलेक्ट कर रखा है। तो इस तरीके से है, तो विल कम विद जो फॉर्मेटिंग है उस पर हम लोग आगे आएंगे आगे के चैप्टर्स में। आज हम बेसिक सीख रहे हैं टैबलो का और बेसिक ग्राफ्स यहाँ पे बना रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस प्लीज वेट 1 मिनट। तो यहाँ पे यूडेमी पे है, मैं अपना नाम यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। तो हम लोगों का टैबलो का यूडेमी पे भी पूरा कोर्स पढ़ा है। जो भी हमारे ज्वाइंट स्टूडेंट्स हैं उन सबको मैं ये शेयर कर दूंगा। सो इसमें हम लोगों ने ये पूरा एक एक करके चैप्टर सिखा रखा। तो आप लोग जो लाइव क्लासेस कर रहे हैं, आप लोगों को इसका पूरा फ्री एक्सेस मिल जाएगा, और ये वीडियो मैं अपलोड करूंगा। अगर किसी को इसका एक्सेस चाहिए तो वो भी हमें कनेक्ट कर सकता। तो ये इस पर क्या होगा, आपके रिवीजन में बड़ी आसानी होगी। यहाँ पे सारा चैप्टर बाय चैप्टर हम लोगों ने लिख रखा, जैसे क्या लाइन चार्ट, यू नो हाउ टू मेक बॉक्स विस्कर प्लॉट, एरिया चार्ट, बुलेट ग्राफ, इस तरीके से ही हमारे चैप्टर्स चलेंगे। सो वापस आ जाते हैं अपने टैबलो पे। और बाकी आप लोग जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आपको तो ये वीडियो अवेलेबल हो ही जाएगा, बाद में आपको वो टैबलो का पूरा कोर्स भी अवेलेबल हो जाएगा जो आपके पास यूडेमी पे हमेशा रहेगा, आप जब चाहिए रिवाइज कीजिए। सो अब यहाँ पे सेगमेंट वाइज प्रॉफिट एंड सेल्स हमने निकाल लिया। अब हम यही काम दोबारा करते, हमारे पास बहुत सारे कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं। यहाँ पे शिपिंग मोड है, जैसे आप में से कभी देखा होगा अमेजोन में भी होता है ना, जैसे अमेजोन प्राइम डिलीवरी ये वो, तो शिपिंग मोड भी कई तरीके के होते हैं। जैसे फर्स्ट क्लास है, सेम डे है, सेकेंड क्लास, स्टैंडर्ड क्लास। हम जानना चाहते हैं कि ज़्यादातर जो ऑर्डर्स हैं वो कौन से क्लास में किए जाते हैं। और उससे पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट बात और है, जब हम डेटा को रीड करते हैं, ओके,
एक बड़ा इम्पॉर्टेंट वेरिएबल यहाँ पे जुड़ जाता है जिसे कहते हैं काउंट। आपको पता है काउंट भी एक एग्रीगेट मेजर है। तो यहाँ पे ये ऑर्डर्स का काउंट है, इसका क्या मतलब हो सकता है? ऑर्डर्स का काउंट यहाँ पे मतलब ये जो शीट में टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स है एग्जैक्टली, बट यहाँ पे मतलब इसका मतलब क्या टोटल। है? ऑर्डर्स का काउंट मतलब ये है कि ये जो ऑर्डर्स नाम की शीट है मतलब जब हाँ वो उसमें जो मतलब उसमें जितने टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर रोज होता है। हैं, हाँ उसमें जितने हाँ हाँ नंबर ऑफ उसका रोज टोटल हैं काउंट। उसका वो काउंट है। ओके और ये एक डायनेमिक वैल्यू है, यानी हमारे व्यू में क्या डेटा है, राइट? हमारे व्यू में क्या डेटा है ये उसके अकॉर्डिंग बदल जाएगी। अभी समझ में आएगा। अगर मैं इस ऑर्डर काउंट को सिर्फ ऐसे लिख देता हूँ, ओके, तो आर एन 9994, ये इसकी वैल्यू है। ओके हम इसकी वैल्यू यहाँ टेक्स्ट लेवल पे भी देख सकते हैं और यहाँ से ये टेक्स्ट व्यू में भी देख सकते हैं। ये टेक्स्ट व्यू है, टेक्स्ट टेबल, ठीक है? अगर आपको कोई ग्राफ नहीं देखना है तो इसको एज ए टेक्स्ट देखिए यहाँ, ये भी हम बाद में समझेंगे। इस्टेब्लिश हो गया कि 9994 ये एक नंबर है। अब इसी को, सेम को जब मैं यहाँ पे ऐड करूँगा तो क्या होगा? वो 9900 जो है वो इन सब में डिवाइड हो जाएगा। 1538 प्लस 543 प्लस 1945 प्लस ये करेंगे आप तो वही फाइनल नंबर आएगा। बस क्या हो गया है कि एक बड़ा बार चार छोटे बार में डिवाइड हो गया, राइट? इन चारों की लेंथ जोड़ेंगी तो वो बन जाएगा उतना। तो यही इसका मतलब है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट वेरिएबल है, तो ये मुझे बताना था। अभी हम इसको, अगर हमें कोई भी चीज़ हटानी है तो हम यहाँ से सीधे ड्रैग करके वापस ले जा सकते हैं। हम यहाँ पे भी सेल्स और प्रॉफिट दोनों को ले आते हैं। आपकी बार हमने ऐसे ही जोड़ा, फिर आपको लगेगा कि यार ये तो है ना एक ही बराबर है क्योंकि प्रोपोर्शनल है बहुत ज़्यादा। मगर अब हम शोमी में आएंगे तो हमें दो नए प्रकार के बार ग्राफ जो हैं वो यहाँ पे इनेबल होके दिखेंगे। हम देखो यहाँ से प्रॉफिट हटा देते हैं, ठीक है? अभी ये ऐसा दिख रहा है। ये जो बार ग्राफ है ये क्या करेगा, इसे कहते हैं स्टैक्ड बार। स्टैक का मतलब क्या होता है? जैसे स्टैक ऑफ बुक्स, आप क्या करते हैं कि चार किताबें एक के ऊपर एक रख दीजिए तो उसे कहेंगे ना स्टैक, राइट? स्टैक क्या होता है, एक के ऊपर एक रखा स्ट्रक्चर है। तो स्टैक बार में क्या हुआ, ये जो है चार जो क्लासेस थी वो सब एक ही बार में आ गई, बस उनके चार कलर हो गए। फर्स्ट क्लास सेम डे, सेकेंड क्लास, ये इसे लेजेंड बोलते हैं। लेजेंड, लेजेंड मतलब होता है कि ग्राफ में क्या दिख रहा है उसके कलर के थ्रू उसे एक्सप्लेन किया जाता है, लेबल होता है। तो यहाँ पे ब्लू कलर को फर्स्ट क्लास बोलते हैं। हम इसको बाद में चेंज भी कर सकते हैं, कलर हम अपने हिसाब से बाद में कर सकते हैं, बट दिस इज समथिंग दैट टैबलो डज बाई डिफॉल्ट। टैबलो अपने हिसाब से कर रहा है इसको। जब भी हम किसी एक को क्लिक करेंगे इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। एक को क्लिक करेंगे तो वही हाईलाइट हो जाएगा, बाहर क्लिक कर देंगे सब हाईलाइट हो जाएंगे, यहाँ क्लिक कर देंगे वही सेलेक्ट हो जाएगा। ये ग्राफ सारे इंटरैक्टिव ग्राफ है। जब इनके ऊपर हम कर्सर ले जाते हैं तो भी आपको डिटेल दिखती है। ये शिपिंग मोड स्टैंडर्ड क्लास है, इसमें 13,58,216 डॉलर्स की सेल्स हुई है, ऐसा सब है, ठीक है?
ये हो गया स्टैक्ड। स्टैक्ड के केस में एक वेरिएबल है। अब हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को ले आते हैं, और अब आप देखिए ये नया टाइप का बार इनेबल हो गया। कैन यू सी द डिफरेंस, राइट? हाँ, और एक तो दिस इज साइड बाय साइड बार, ओके? एक्चुअली में हमने ये बनाया है अभी थोड़ी देर पहले, वो हमने कैसे बनाया था, यहाँ पे ड्रैग करके। पर सपोज करो कि हमें ड्रैग करना है, ये सब नहीं करना है, तो चुपचाप दो वेरिएबल को लीजिए और ऐसे कर दीजिए, राइट? इससे फायदा क्या हुआ, इसे एक तो प्रॉफिट और सेल्स का कलर भी आ रहा है, ओके? इसमें कलर नहीं आ रहा था, ठीक? ये थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है। है सेम ही बात, ये भी सेम बात, ये भी सेम बात, बट इसका रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है? तो ये इसे कहते हैं साइड बाय साइड। अब साइड बाय साइड को प्रिपेयर करने के लिए आपको कुछ मेजर्स को यहाँ पे रखना पड़ेगा, और कोशिश कीजिए कि वही मेजर्स रखिए जिनके जिनका जो मैग्नीट्यूड है या जिनका जो यूनिट है वो सेम है। जैसे ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रॉफिट और क्वांटिटी को रख दिया। जैसे अब क्वांटिटी क्या है, वो एक नंबर आएगा, वो भी आंसर हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, दिखेगा सब, पर ऐसे हमेशा लग रहा है क्वांटिटी तो यार हमेशा कम है। तो क्वांटिटी आ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन क्वांटिटी एक्चुअली रुपी में नहीं है या डॉलर में नहीं है। तो इसलिए आपको ये ज़्यादातर ऐसे मेजर्स के साथ करना है जिनका यूनिट एक है, तो ये याद रखिएगा। ये हमारा है शिपिंग मोड वाइज प्रॉफिट एंड सेल्स। अब जो क्राइटेरिया, अब क्योंकि हमने बार ग्राफ के साथ में फिर पाई चार्ट भी लिखा, जो क्राइटेरिया बार ग्राफ का है लगभग वही क्राइटेरिया पाई चार्ट का भी है। यहाँ देखिए पाई चार्ट, पाई चार्ट देखो, ध्यान से देखो बार में क्या लिखा है, इस पे ध्यान दीजिएगा प्लीज। बार में लिखा है जीरो और मोर डायमेंशन लिखा है, पाई में क्या लिखा है, वन और मोर डायमेंशन और वन और टू मेजर्स, एक या दो ही कह रहा है, ठीक है? यहाँ क्या और मोर कह रहा है कि आप तीन चार पांच छह रखिए, यहाँ क्या कह रहा है वन या टू रखिए और उसको वन या मोर रखिए, समझ रहे बात? तो अब जैसे हाँ. हमने क्या किया, सब कैटेगरी को यहाँ पे ड्रैग किया, ये हो गया हमारा वन डायमेंशन, और यहाँ पे हमने सेल्स को ड्रैग किया, ये हो गया हमारा वन मेजर, और बस फिर पाई को सेलेक्ट कर लिया, एक छोटा सा पाई चार्ट बना। अब इसको बिग कैसे करें, तो बिग करने के लिए जो विंडोज में मेक ग्राफ बिग इन साइज, इसके लिए विंडोज में कमांड है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, बी फॉर बी, राइट? ये देखिए इस तरीके से आ गया, और स्मॉल करने के लिए सिर्फ कंट्रोल और बी, याद रहेगा कंट्रोल शिफ्ट बी बिग करने के लिए और सिर्फ कंट्रोल बी स्मॉल करने के लिए। आप लोग कहीं लिख लीजिए तो अच्छा है, नहीं तो मैं अभी ये भेज भी दूंगा सर। सो कंट्रोल शिफ्ट बी से हमने इस ग्राफ को पिक कर लिया। अब ये कलर दिख रहे हैं, यहाँ पे ये सब दिख रहा है। हम एक छोटा सा काम करेंगे, क्योंकि ये सारी सब कैटेगरी है, तो हम लेबल में सब कैटेगरी को लिख देंगे, फिर दिखाते हैं यहाँ से
लेबल, लेबल हम कहते हैं कि ऐसे समझ में नहीं आ रहा, हमें दिखना चाहिए कि कौन सी सब कैटेगरी का नाम कहाँ पे है। ऐसे तो हमें बार बार माउस को इसके ऊपर ले जाना पड़ रहा है तब दिख रहा है। तो सब कैटेगरी को लेबल में ले आई और अब सब दिख गया, लाइक कौन सा सप्लाई है, कौन सा स्टोरेज है। तो एक बढ़िया सा ग्राफ हमारा बन गया, पाई चार्ट। और ये हम लोगों का जो है चैप्टर का सेकेंड टाइप ऑफ ग्राफ है। पाई चार्ट के लिए भी आपको करना यही है जैसा हमने कहा। ग्राफ मोस्टली तभी बनते जब हम एक डायमेंशन एक मेजर करते हैं, ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है। कुछ ग्राफ एक मेजर पे भी बनते हैं, कुछ ग्राफ डायमेंशन पे भी बनते हैं। बट लेट्स अज्यूम कि एक मेजर और एक डायमेंशन इसीलिए दिया, इनको हम करेंगे तो हम अच्छे ग्राफ दिखा सकते हैं। अब पाई चार्ट क्या करता है, एक कैटेगोरिकल वेरिएबल को उसके मेजर्स को दिखाता है। और पाई चार्ट में ये जो हर एक जो सेक्टर बना है इसका, उसका जो पाई का एरिया है वो प्रोपोर्शनेट है उसके वैल्यू के। तो यानी जिसका एरिया सबसे ज़्यादा है पाई चार्ट में, जैसे चेयर्स का एरिया सबसे ज़्यादा है, तो इसका मतलब होएगा कि चेयर जो है वो सबसे ज़्यादा बिकी है, उसकी सेल सबसे ज़्यादा हुई है। फिर उसके बाद जो है ऐसे ही ये घूम रहा है। तो अलग अलग है, ये फोन भी है, ये 328 है, फोन 330 है। हम इसको अरेंज भी कर सकते हैं ऐसे। अब हमें साफ दिखेगा कि चेयर फोन इस तरीके से ये चल रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे एक सीक्वेंस में यहाँ पे खत्म हो रहा है। सबसे कम लेबल्स दिखे, फिर सेकेंड नंबर पे ऑनवेलप्स, फिर आर्ट एंड सो ऑन। ये पाई चार्ट का रिप्रेजेंटेशन है। लाइन चार्ट को मैं आज इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, हमारा अगला पूरा चैप्टर ही लाइन चार्ट के ऊपर होगा। लाइन चार्ट को बनाने के लिए आपको सबसे पहले याद रखना है एक कंटिन्यूअस मेजर यहाँ पे होना चाहिए, जिसमें जो है आपके जो वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। और आपको एक डेट का कॉलम भी रखना पड़ेगा। तो जैसे हम लाइन चार्ट पे जाते हैं, जैसे ये देखिए क्या लिखा है, वन डेट लिखा है। तो कंटिन्यूअस लाइंस के लिए हमें क्या चाहिए, कम से कम एक डेट चाहिए और वन और मोर मेजर चाहिए। तो हम आज इंट्रोड्यूस करते हैं उसको, हम लोग डिस्कस कल फाइनली करेंगे। तो जो यहाँ पे ऑर्डर डेट दी गई है, जैसे ही आप इसे ड्रैग करेंगे तो ये क्या करेगा कि उस ऑर्डर डेट को चार पार्ट में तोड़ देगा। इसका मतलब ये है कि इसने 4 साल ले लिए, क्योंकि ये 4 अलग अलग ईयर्स का डेटा है। तो इसने क्या किया, वो चारों ईयर्स को फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक कर दिया। और अब हम यहाँ पे जैसे सेल्स को ले आते हैं, तो देखिए बस लाइन ग्राफ बन गया। ये लाइन ग्राफ दिखा रहा है, हम चाहते हैं ये वाला लाइन ग्राफ बने। तो ये वाला जो लाइन ग्राफ है ये कंटिन्यूअस मेजर है, ये ऐसे दिखा रहा है 2011 में इतनी, और 2014 में इतनी, 15 में इतनी, 16 में इतनी, ये इस टाइप से दिखा रहा है। अब आपको एक सिंपल सा डिफरेंस नजर आएगा, ये वाला नीला है और ये वाला हरा है। तो इस डिफरेंस को हम लोग कल सीखेंगे कि ये हरी वाली डेट क्या है और ये नीली वाली डेट क्या है, इनका आखिर इनमें डिफरेंस क्या है। तो आप डेट को भी देखेंगे तो डेट यहाँ दो दी गई है, एक ऊपर और एक नीचे। बिकॉज डेट एक ऐसी चीज है जो डायमेंशन और मेजर दोनों तरीके से ली जा सकती है। तो डेट का रोल ऐसा है। तो डेट के बारे में और डिटेल में और लाइन के बारे में डिटेल में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, और एक एग्जाम्पल के साथ उसमें हम लोग और डिटेल डिस्कस करेंगे। आज आप लोग रिवाइज कीजिए बार ग्राफ, स्टैक्ड बार ग्राफ और साइड बाय साइड बार ग्राफ को, और पाई चार्ट को
रिवाइज कीजिए, इतनी चीज़ें आज आप रिवाइज कीजिए, इस वीडियो की हेल्प लीजिए। आप लोगों को क्या उसमें प्रॉब्लम है समझने में वो बताइए, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं तो बहुत अच्छी बात है, फिर हम लोग आगे लाइन ग्राफ्स को पढ़ेंगे।